भगवान भोलेनाथ की दिव्य सवारी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भदेसर मुख्यालय पर हुआ आयोजन। भदेसर उपखंड मुख्यालय पर महादेव मित्र मंडल की तत्वाधान में भगवान भोलेनाथ की तृतीय दिव्य सवारी सावन के चतुर्थ सोमवार को निकाली गई। ये दिव्य यात्रा धनेश्वर महादेव से आरंभ होकर अमरपुरा गागा गुड़ा होते हुए भदेसर भैरू जी मंदिर प्रांगण पर दोपहर 1 बजे पहुंची, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की गई। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि महाकाल उज्जैन की तर्ज पर भदेसर मुख्यालय पर महादेव मित्र मंडलों के द्वारा दिव्य सवारी निकालने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत भदेसर उपखंड मुख्यालय पर भगवान भोलेनाथ की ये तीसरी दिव्य यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत भगवान भोलेनाथ प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। कार्यक्रम के तहत धनेश्वर महादेव मंदिर पर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई और 56 भोग प्रसाद चढ़ाया गया। इसके बाद सुसज्जित रथ में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति विराजित की गई, जिसका 1.5 किलो भांग से विशेष श्रृंगार किया गया और सूखे मेवे चढ़ाए गए। भदेसर भैरू जी मंदिर में दिव्य सवारी की विशेष पूजा अर्चना की गई। उसके बाद ये नगर में मुख्य मार्गों से होते हुए प्रजापत मोहल्ला, रावला चौक, सदर बाजार, समता भवन, पुलिस थाना, बस स्टेशन, माली मोहल्ला होते हुए कस्बे में स्थित प्राचीन रामेश्वरम महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर विशेष पूजा अर्चना कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस दिव्य सवारी में भदेसर कस्बे सहित आसपास क्षेत्र के 50 से अधिक गांव के सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने शिरकत की। इस दिव्य सवारी में मातृशक्ति की संख्या बहुत अधिक थी। इस दिव्य सवारी में 1 बैट, 2 DJ, 12 मंसौरी ढोल के साथ साथ भगवान भोलेनाथ के 3 रथ शामिल थे। साथ ही 2 अश्व और 2 ऊंट भी थे, जिस पर भारत माता के रूप में मातृशक्ति विराजित थी। ऊंट पर बच्चे बैठे हुए थे और अंत में सुसज्जित रथ में विद्यालय के छात्र छात्राएं विभिन्न रूप में सवार थे। मेरा उद्देश्य तो ये है कि अपने धर्म का, सनातन धर्म का विस्तार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो 3 साल पहले ऐसे हमारा मित्र मंडल, जिसमें सरपंच साहब वगैरह हमारा और जो भी अशोक जी, लिटिल जी, हीरालाल जी, रायका, अमरेश भट्ट, 5-7 जने ऐसे धनेश्वर महादेव बैठे थे। तो ऐसे आयोजन बना कि सावन मास में एक अच्छा आयोजन किया जाए, जो एक क्षेत्र में के लिए मिसाल बने, अच्छी परिवर्ती बने। तो उस उद्देश्य से 3 साल पहले कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो जो पहला कार्यक्रम हुआ, हमने भी नहीं सोचा था कि इतना भव्य आयोजन होगा। तो उस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए ये निश्चय किया है कि हर बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो पिछले बार भी किया, इस बार ये तीसरा आयोजन है और मुख्य उद्देश्य तो ये है कि धर्म का विस्तार हो, अधिक से अधिक सनातनी प्रेमी अपने धर्म के प्रति जागरूक हो और क्षेत्र में अच्छा वातावरण धर्म के प्रति बने। जहाँ तक संख्या का सवाल है, पिछले कार्यक्रम में जो फर्स्ट कार्यक्रम हुआ था उसमें लगभग 6-7 हज़ार की संख्या थी। पिछले बार भी एक बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस बार भी उम्मीद है कम से कम 4-5 हज़ार लोग जरूर शामिल होंगे, जिसमें आसपास के अमरपुरा, देसी खेड़ा लोग, सब पूरे गांव के सहित लोग आ रहे हैं। पिछले 3-4 साल से धनेश्वर महादेव जी से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है परिसर वाले और परिसर के आसपास के कस्बे वाले। जिस प्रकार की लोगों की भावना है कोरोना के बाद, जिस प्रकार की लोगों में धार्मिक भावना जागृत हुई है और महादेव के प्रति जो आस्था तो पहले भी थी, पर जिस प्रकार लोगों में खूब जोश खरोश आया है, उसी प्रकार आज साई सवारी की जो निकली है उसमें मेरे को भी भाग लेने का, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, इस यात्रा में मुझे भी आने का मौका मिला। और वास्तव में जिस प्रकार की यहाँ की पब्लिक उमड़ी इस कार्यक्रम में, दिन दिन इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या बढ़ी है और इसकी कार्यक्रम की जो यहाँ के कार्यकर्ता लगे हैं, उन कार्यकर्ताओं को मैं तहे से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम का आपने रूप लेके इतना बड़ा कर दिया, विस्तृत रूप कर दिया, वास्तव में आने वाले दिनों में जिलों की नंबर 1 इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। हमारा तीसरा, जैसा पवन जी ने बताया, तीसरी हमारी शोभा यात्रा का तीसरा कार्य जो है, तीसरा साल है और लगातार रूप से जो धर्म के प्रति युवाओं के अंदर एक प्रकार से एक मैसेज, हम हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति हमारे युवा किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर हम सब ने ये यात्रा शुरू की थी और आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से तीसरी बार सफलतम आयोजन होने जा रहा है। इसकी सब लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजन किया है, लेकिन अभी आप देखेंगे जो संख्या, लोगों में जोश, यह इस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है।